नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी एस स्टडीज़ में। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में, राजस्थान करंट मूमल के। मैंने अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा था वो देख लें, और आज ये पार्ट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर 2018 को पुणे स्थित वैज्ञानिक औद्योगिक परिषद CSIR का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है शिखर मांडे, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यहाँ लिखा गया है, वो आप देख सकते हैं। 10 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नए सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति की को मंजूरी प्रदान की है। तो उनका क्या नाम है? तुषार मेहता। इनका ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकाल रहेगा 2020 तक, 30 जून 2020 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो इनका नाम है तुषार मेहता। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2018 ने औद्योगिक मंडल SOCHM का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है बालकिशन गोयनका। तो ये भी आप आगे ये भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है प्रियंक कानूनगो। इनका नाम है प्रियंक कानूनगो। ये इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आगे बाद में देख सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने यौन शोषण के आरोप में चलते 17 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, मीटू आंदोलन के चलते में काफ़ी लोगों ने इस्तीफा दिया, तो उनमें से एक ये भी हैं MJ अकबर, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इनका। और आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को वर्ष 1943 में बनाई गई आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की को 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया है? तो इसका है 21 अक्टूबर 2018 को। ये 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनके 21 अक्टूबर को 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इनका एक आइलैंड भी आप जान सकते हैं, जो भी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने रोस आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने, और ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये पढ़ सकते हैं इससे। ये पढ़ते हैं आगे। GD अग्रवाल, इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये किससे, किस वजह से इनका निधन हुआ था? क्योंकि इन्होंने गंगा के सफाई के मुद्दे पर अनशन किया था, इसलिए इनका निधन हो गया। तो ये काफ़ी क्वेश्चन, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मतलब आप देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर 2018 को CBI का आंतरिक निदेशक किसे बनाया गया? तो उनका नाम है M नागेश्वर राव। यहाँ पे लिखा गया है M नागेश्वर राव, तो आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, देखते हैं। BBC द्वारा जारी विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं का शामिल किया है। इनके नाम है मीना गायन, विजी पेनकुट्टू एव तथा रहीबी सोमा। यहाँ पे आप नाम देख, यहाँ पे नाम देख सकते हैं, आपको 3 नाम दिए गए हैं। इनका नाम है मीना गायन, विजी पेनकुट्टू और रहीबी सोमा। ये 36 वर्ष की थी मीना गायन, और विजी पेनकुट्टू 50 वर्ष की थी, और रहीमी सोमा 55 वर्ष थी। जिनमें से 33वें स्थान पर मिला मीना गायन को, विजी पेनकुट्टू को मिला है 73rd स्थान पर, और रहीमी सोमा को मिला है 76th स्थान में। ये राजस्थान, ये इंडिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं में इनको मिला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जैविक राज्य है, जो विश्व का पहला जैविक राज्य बन गया है, उनका उसका नाम है सिक्किम। यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। नंबर 2018 को जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में रोजगार प्रदान करने के मामले में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो वह है आंध्र प्रदेश। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश दे रखा है, और इससे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो वह है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जैसे कि हम सब जानते हैं, 2 राज्य हैं, उसमें से अलग होकर आंध्र प्रदेश को ये 25वां हाईकोर्ट बन गया है। ये भी आप ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद का नाम परिवर्तन करने के बाद क्या रखा गया है? तो ये सब जानते हैं, काफ़ी चर्चित भी रहा था, इसका नाम है प्रयागराज। यहाँ पे दे रखा है। ये 2 क्वेश्चन जो मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। 11 अक्टूबर 2018 को असम में किन 2 स्थानों के मध्य पहली रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का प्रारंभ किया है? ये है निमाती और मांजुली द्वीप। ये आप देख सकते हैं, इनके मध्य रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का प्रारंभ किया गया है। ये 12.7 किलोमीटर की है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन। तो ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर
संगठन की पहली सभा का उद्घाटन किया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं आइए ये इसको पढ़ते हैं। 21 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का राष्ट्र को समर्पित किया। इस स्मारक पर कितने शहीद पुलिस अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं, तो वो हैं 34,844 नाम लिखे गए हैं पुलिस शहीद अधिकारियों के। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 31 अक्टूबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया, तो ये सरदार सरोवर नर्मदा में किया था। ये काफ़ी चर्चित भी रहा था, तो ये आप देख सकते हैं इधर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो कि ये 143rd जयंती पर ये किया गया था प्रधानमंत्री ने, जो इसका यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम है इसका। और इसका राम वांझी सुथार जो इसके मूर्तिकार हैं वो हैं राम वांझी सुथार, यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। मूर्ति की ऊंचाई है 182 मीटर, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और ये विश्व की पहली मूर्ति बन गई है इतनी ऊंचाई की। इसके बाद स्प्रिंग टेंपल बुद्धा चीन की 153 की है, जो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि कौन सी इसके बाद है, तो वो है चीन की, टेंपल बुद्धा चीन की। तो ये गुजरात में अहमदाबाद में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थापित विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। या और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप वो भी पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जयपुर समेत 6 हवाई अड्डों का PPP मॉडल में से होगा प्रबंधन, तो इसका है ये 6 जो हवाई अड्डे हैं उनका नाम दे रखा है, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी और मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम। तो ये एयरपोर्ट हैं, आप ये देख सकते हैं इधर लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ के जाइएगा। हिमाचल में सुरंग में बनेगा देश का पहला स्टेशन, तो ये नेशन में बनेगा, तो ये है केलांग होगा, इसका स्टेशन का नाम है केलांग, तो यहाँ दे रखा है ऊपर, इस इधर केलांग होगा, तो ये आप देख सकेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2018 को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए किस राज्य को सर्वोच्च राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये है हरियाणा, यहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ पी स्टडी के लिए पार्ट थर्ड राजस्थान मूमल का, आपको ऐसे आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे, आप अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।